हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हैप्पी रिपब्लिक डे पर हिंदी में एक शानदार स्पीच देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, इस स्पीच को रेडी करके तैयार करके आप अपने स्कूल या कॉलेज में भी दे सकते हैं। आइए देखते हैं। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। मेरा नाम रूहान है, मैं कक्षा का छात्र हूँ। हम सब जानते हैं, हम सब आज यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज के दिन को हम भारत के गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। मैं आज के महान दिन पर आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों ने इस अद्भुत अवसर पर ये मौका दिया है कि मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर इस अवसर के बारे में और अपने प्यारे देश के विषय में कुछ शब्द बोल सकूं। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का पर्व समेटे हुए है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कड़कड़ में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गणतंत्र, गण प्लस तंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति एवं वर्ग के लोग इसको एक साथ मिलकर मनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अपने राजनीतिक नेता को चुनने का अधिकार देश में लोगों के ऊपर होता है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के करके ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसका ही नतीजा है कि आज हम अपने देश भारत में आराम से रह रहे हैं। भारत देश के कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताओं में इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी और उनके इन महान कार्यों के लिए ही आज भी उनका नाम भारत देश के इतिहास में लिखा है। न ही सिर्फ लिखा बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनके तरह बनने का प्रयास करता है। लगातार कई वर्षों तक इन महान लोगों ने ब्रिटिश सरकार का सामना किया और हमारे वतन को उनकी गुलामी से आजाद कराया। भारतवासी उनके इस बलिदान को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। उन्हीं के कारण आज हम अपने देश में आजादी से सांस ले रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस वर्ष 26 जनवरी 2021 को भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। आज ही के दिन हमारे देश ने हमारा खुद का संविधान लागू किया था और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश बना था। शताब्दियों की प्रतंत्रता के उपरांत हमने 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई। देश के स्वतंत्र होने के 2.5 वर्ष पश्चात 26 जनवरी 1950 को देश के करधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाता है और 26 जनवरी 1950 से ही आज के दिन को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी की तिथि का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना महत्व है। सन 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चलता रहेगा और इसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे।
इसी कारण 26 जनवरी का दिन ही भारत के गणतंत्र की घोषणा के लिए चुना गया। इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए। उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल थे, उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। आज भी यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारतवर्ष में स्वराज के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी यानी हमें कोई संघर्ष ना करना पड़े और हम देश को आगे लेकर जा सके। किंतु आज हम सभी कहां आकर खड़े हो गए हैं, यह बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने 70 वर्षों के बाद भी हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह सभी को भली भांति मालूम है। आज हमें फिर से एक बार साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल फेंका था। हमें भारत देश को फिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाना होगा। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्ण महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आज अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें दोबारा एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकाल दिया था। हमें अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना है। हमें अपने भारत देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसे चीजों को अच्छी तरह से समझना होगा और इनका हल निकालना होगा। अंत में आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे आपके समक्ष गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मुझे अपने शब्द रखने की अनुमति दी। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में नफरत है निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, इस सब का वतन है बचा लो इसे। इसके अतिरिक्त हम सभी को अपने देश के सैनिकों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।